स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए 4 मार्च से स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। जानिए पैकेज और बुकिंग की जानकारी। भारतीय रेलवे गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक विशेष ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रवानगी 4 मार्च को की जाएगी। रेलवे ने यह कदम स्टैचू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के 5 महीने बाद उठाया है। इस टूरिस्ट ट्रेन को भारत दर्शन पर्यटन स्कीम के तहत संचालित किया जाएगा। 7 रात और 8 दिन का यह पैकेज चंडीगढ़ से शुरू होगा और पर्यटकों को उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग, इंदौर के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी के साई दर्शन और नासिक के श्री बकेश्वर और औरंगाबाद के ग्रीष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करवाएगा। यह पैकेज का किराया 7,560 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस टूर पैकेज में चढ़ने और उतरने के लिए कई स्टॉपेज होंगे, जिसमें चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली कैंट, रेवाड़ी, अलवर और जयपुर शामिल है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि इस टूर पैकेज को भारत के लौह पुरुष यानी सरदार वल्लभ भाई जी को श्रद्धांजलि के तौर पर तैयार किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को सरदार पटेल की याद में गुजरात के नर्मदा डैम पे बनवाया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। यहाँ जाने वाली विशेष ट्रेन बड़ोदरा तक जाएगी और वहां से बस के जरिए स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचा जाएगा। इस पैकेज में ट्रेन के स्लीपर क्लास की यात्रा, रात्रि विश्राम के लिए हॉल, डॉर्मेट्री व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, सड़क यात्रा, शुद्ध शाकाहारी भोजन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और सुरक्षा शामिल है। इस पैकेज को रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com या IRCTC के मोबाइल ऐप से भी बुक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने की, तो आपके लिए फैमिली पैक बहुत अच्छा साबित हो सकता है।